नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर दायर याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया है। आपको बता दें, कोर्ट में कोरोना वायरस को देखते हुए 12वीं कक्षा के बोर्ड पेपर को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई के वक्त आईसीएसई और सीबीएसई से भी रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। ऐसे में सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं इस साल रद्द कर दी गई हैं, लेकिन कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को सिर्फ स्थगित किया गया है। ऐसे में मांग उठ रही है कि इन परीक्षाओं को भी कैंसिल किया जाए और इस पर जल्द फैसला लिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। एग्जाम कैंसिल करने की मांग को लेकर करीब 300 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा, जिसके बाद अब न्यायालय इस मामले पर फैसला लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 31 मई सोमवार को होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका की कॉपी सीबीएसई को देने को कहा है। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार सीबीएसई और सीआईएससी को निर्देश दिया जाए कि वो कोरोना के मद्देनजर 12वीं के बोर्ड परीक्षा रद्द करें। याचिका में कहा गया है कि तय समय सीमा में ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी के बेसिस पर रिजल्ट घोषित किया जाए। छात्रों का महामारी के खतरे के बीच ऑफलाइन एग्जाम लेने के बजाय बगैर एग्जाम के रिजल्ट तैयार करने का तरीका निकाला जाए। आपको बता दें, पिछले हफ्ते हुई केंद्रीय मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली समेत कुल 4 राज्यों ने बिना एग्जाम के छात्रों को पास करने का प्रस्ताव रखा था, जबकि ज्यादातर राज्यों ने परीक्षा आयोजित करने का पक्ष लिया। इसी के चलते छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब उम्मीद है कि इस मामले पर सोमवार 31 मई को कोई फैसला लिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।